नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया में किए जा रहे सांप्रदायिक पोस्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद चिंतित हैं। आपको ये बता देना जरूरी होगा, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, दो संप्रदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपने ही पुलिस के एक जमादार को सोशल मीडिया में सांप्रदायिक पोस्ट करने के लिए बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि जब हम अपनी पुलिस फोर्स को नहीं बख्श रहे हैं तो दूसरे को क्यों बख्शेंगे। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया के जरिए जो अफवाह फैलाएगा, कोरोना से जुड़ा हुआ अफवाह फैलाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बातें पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसको जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोशल मीडिया में किए जा रहे भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट से काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्होंने कल बिहार के मुख्य सचिव और DGP के साथ बैठक की। उन्होंने गंभीर चिंता जताई और कहा कि जो सोशल मीडिया के जरिए कोरोना को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक पोस्ट किए जा रहे हैं, दो समुदायों के बीच कटुता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर किसी कीमत पर लगाम लगाना है। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है कि किसी भी स्थिति में राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए और जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का मतलब कि आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो सावधान हो जाइए। अगर आप एडमिन हैं तो ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आप एडमिन नहीं भी हैं, उस ग्रुप में हैं और किसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं तो भी फंसने की आशंका है, क्योंकि पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रख रही है। विशेष टीम बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर नज़र रख रही है, हर पोस्ट को देखा जा रहा है और जो आपत्तिजनक पोस्ट हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस अब तक कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, जांच पड़ताल हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में दर्जनों लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे जो सोशल मीडिया के जरिए कोरोना से जुड़ी अफवाह फैला रहे हैं या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जाने अनजाने में वो अनऑथेंटिक मैसेजेज को भी फॉरवर्ड करते हैं, तो उनको सावधान करना बेहद ज़रूरी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।